तो गाइस ये वाला जो फ्लाईओवर है ये है बारापुला फ्लाईओवर, ये हमारे देश की शान आन बान, जय हिंद भारत माता की जय। हर जगह लगा देंगे। जो फ्लाईओवर है बारापुला ये जा रहा है मेट्रो वाला, ठीक है। ये जो फ्लाईओवर अभी तक गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज़ अजय पंडित। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके, जय माता दी। कैसे आप सभी, मैं हूँ अभी जैतपुर मोड़ के पास और आप देख सकते हो कितना यहाँ पे बारिश हो रही है। और ये बारिश हो रही है कम से कम भी 3-4 दिन हो गए, लगातार बारिश ही हो रही है। अभी रमझम 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 सी हो रही है बारिश, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ मिस्टर अरमान लोनी के लिए, वो जा रहा है अपने बच्चों को लेने। तो मैंने घर पे बोर हो रहा था, आज संडे भी है तो मैंने चलो चलते हैं फिर घूम के आते हैं और आपको भी घुमाते हैं, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ है कहाँ, जैसे मिल जाएगा तेरे को दिखा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे पहुँचा, ठीक है भाई। देख रहे हो ये खड़ी हमें मर्सिडीज़, ओह ज़्यादा क्लोज हो गई। ये मर्सिडीज़ खड़ी है और ये मर्सिडीज़ का मालिक मिस्टर अरमान, हेलो। कैसे ये लेके जा रहा हूँ मुझे कंबल, खुद को तो कोई काम धंधा है नहीं, अब मुझे फ्री समझता घर से। खदूर की ड्यूटी आई थी, सोच अपने दोस्त की वजह से मैंने छोड़ दिया, तो दिखाने के लिए कितना नुकसान करता हूँ मैं। ओ भाई साहब, प्यार की खातिर भाई साहब ताने मारा कल एक बार इसने वहाँ की छोड़ दिया रात को। मुझे पता है कितना दुखी हो मैं, एक बाइक पे 4 बंदे हम कैसे लटके आए, भीगते भीगते भीगते। हाँ कंप्लेंट करनी पड़ेगी मैम, तो बाइक वाले गाड़ी में 7-8 बंदे। चलो भाई चलते फिर, आप मिलते हैं हमारे आज के ड्राइवर साहब मिस्टर अरमान और हमारे खास फ्रेंड। आज हम जा रहे हैं कहाँ, लोनी। लोनी जा रहे हैं अपने बच्चों को लेने, बच्चे आ रहे थे लेकिन आ नहीं पाए बारिश की वजह से। तीन चार दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। यहाँ क्या पूरे दिल्ली NCR में सब जगह हो रही है मेरे ख्याल से, और उत्तराखंड में भी हो रही है, तो उसी की वजह से यहाँ पर बारिश हो सकता है। ब्लूटूथ रहने थे वैसे, ठीक है, ब्लूटूथ मेरे गले में थे ये। अब हम जा रहे हैं लोनी के लिए जैतपुर मोड़ से, और थोड़ा भाई इसकी नहीं आवाज़ बता। तो आप देख रहे हो गाड़ी पे कितना फॉग हो रहा है। ये भाई हमारा 3-4 दिन से ना गाड़ी चलाने नहीं जा रहा, वो इसलिए इसको बहुत डर लगता है ट्रैफिक से, बारिश से, पानी में बंद ना हो जाए गाड़ी। अगर ऐसी चलेगा तो कमाएगा कैसे ये, देखो इधर इस मासूम चेहरे को देखो। सीट बेल्ट जरूरी है भाई साहब, और ये देखो यहाँ बदरपुर का ये फ्लाईओवर है हमारा, 4 मेट्रो स्टेशन। और ये देखो बेचारे कितने भीग चुके हैं, ये कल ऐसे हम भी रात को भीगते भीगते आए थे भाई ड्यूटी से। ऐसा रात को पानी था नहीं तो मैं वीडियो बनाता तेरे को दिखाता हम कैसे कैसे आए, पानी इतना भरा हुआ भाई, रात को फुल बारिश हो रही थी भाई। कल तो जब मैं यहाँ पहुँचा ना, जब मैंने तेरे को फोन किया था उसके बाद से 1 मिनट को भी बरसात नहीं रुकी रात की 11 बजे तक। तो देख सकते बदरपुर का मेट्रो है तुगलकाबाद, समझ लो है तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन। जब से इसमें काम ही चल रहा है पर पता नहीं बन क्या रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही आज तक। हाँ और जैसे जैतपुर मोड़ पर जाम लगता है ना, अब यहाँ भी लगने लगा है इन ऑटो वालों की वजह से, सब यहाँ लगे रहते हैं। और ड्यूटी टाइम इतना जाम मिलेगा ना आपको मॉर्निंग में और दोपहर में। तो देखो ये तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन, यहाँ भी कुछ काम चल रहा है। और ये देखो भाई हमारा पैरासूट। चल भाई जुगाड़ तो करना है, ऐसे हम जुगाड़ करके आए थे रात को, जैसे उस भाई ने साइकिल पे पहन रखा था पन्नी ओढ़ आड़ के, लेकिन फिर भी हम भीग गए थे। लेकिन ये कि अपना बैग बचा लिया था हमने, मोबाइल बैग जरूरी है भाई। देख सकते हो रोड का क्या हाल है, ये है मथुरा रोड। तो आज है जैसे कि संडे, इस वजह से थोड़ा जाम कम है, नहीं तो जाम तो बहुत तगड़ा रहता। और मेरे राइट साइड में देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है लोटस के नाम से, होलसेल रेट पे, जल्दी कमिंग सून लिखा हुआ अभी पता नहीं। ये हमारा भाई इतना बड़ा आलसी है, इसको 2 दिन हो गए पंचर हुए, इस बंदे ने पंचर नहीं लगवाया, देखा वो थोपड़ा। और ये गाड़ी है, बंदा टैक्सी है कमाता है, लेकिन तड़ा आलसी है, इसको स्टेपनी चेंज नहीं कर सकता, स्टेपनी पड़ी है जबकि इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा चल हवा डलवा रहा है, फिर पंचर चेक करवाई ले यार, कभी भी कहीं भी फंस सकते। बोलते चलो ट्यूबलेस टायर है वो चल रहा है, अगर इनका पहले का पंचर लीक हो रहा है, जो पकवाया है वो ढंग से पका नहीं है ना। किससे पकवाया था ये तेरे सतीश नाम है, क्या नाम है उसका, वो नरेश कब, काफ़ी टाइम हो गया, तो काफ़ी टाइम हो। अच्छा वो जब की बात है, अरे भैया उस पर इधर रखा हुआ था, कल इधर यूज़ कराए थे 2-3 दिन पहले, बस पंचर होता है सच्चे। क्या जी कार है, यही है भाई, यही है, अगर कुछ कुछ निकल गया उससे पता लग गया था ये होता।
अरे यार तो पहले तो वैन से चलते हैं, ये लगेगा तभी होता है बड़ा भाई। नहीं होता था, अब फील तो पता हिंदुस्तान में बहुत बड़ी होती है, इतनी सफाई नहीं है रोड पे। कितने की टोपे? 5,500। तो फाइनली भाई इसका वो तो खराब है, तो स्टेप में रखी थी वो चेंज करवा रहे हैं। वो भाई कह रहा था 550 रुपये की ट्यूब है। 20 रुपये दे दिए। हाथ चल गया तो पेटीएम दे देगा वो, तो पेटीएम है इस पर। तो भाई दूसरी स्टेप में लगवा रहे फिर फाइनली, ठीक है चलो बाकी देखते हैं। लेकिन बारिश का भाई साहब मस्त हो रही है। ये अपोलो वाला पेट्रोल पंप मथुरा रोड स्मूथ चल रहा है, इस टाइम कोई ट्रैफिक नहीं है। बाकी हम चलते हैं लोनी, लोनी लोनी के अभी जाने के देखें कितना ट्रैफिक होगा रास्ते में। और लोनी में तो आवड़ दौड़ ट्रैफिक रहता है, लेकिन कहते हैं कि रोड बहुत अच्छा बन गया वहाँ पे। बाकी चलो देखते हैं फिर आगे, बाकी स्टेप में लगवा देते। तो गाइस हमने आश्रम चौक क्रॉस कर लिया है, वहाँ से राइट लेते हैं, आप देख सकते हो ये मेरे फ्लाईओवर है राइट में। और अभी तक यहाँ पे जाम लग रहा है केड़ा वाला, और संडे का ही हाल है। और ये जा रही है ओडी दूल्हे की सच के डोली। शादी शुरू होगी क्या? तो दिवाली के बाद होना है, ठीक है। तो दिनवाली की तो हम आश्रम के यहाँ पे क्या बोलते हैं महारानी बाग के पास फंसे हुए हैं। बाकी देखते हैं यहाँ का फ्लाईओवर का काम कैसा हो गया है, तो कितना रह गया कितना नहीं। कितना रह गया दिमाग में वो चल गया। भाई बदबपुर से अगर आपको नोएडा जाना है तो सबसे अच्छा होगा आप कालिंदी से जाए, यहाँ से अवॉइड करें। यहाँ का जाम नहीं ख़त्म हो रहा है जब तक ये फ्लाईओवर बन के कम्प्लीट नहीं होता है। और इसमें लगता है मुझे कम से कम एक साल के करीब और लगेगा ये जाके 2023 में। वैसे ही साल ख़त्म होने वाला ही है, जहाँ एक दो महीने बचे बस। हाँ 24 तक कम से कम तो लगेंगे इसमें जब ये कम्प्लीट होगा। बाकी गवर्नमेंट काम का तो आपको बताइए कितना स्लो कितना लूज होता है, ठीक है। बाकी जब ये बन जाएगा तो जाम फिर भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप लेफ्ट लेते हो सराय काले खां के लिए तो 100% वहाँ जाम लगेगा, और वहाँ लगता ही है। सीएनजी क्रॉस का जो आप देखेंगे ना वहाँ क्या होता है, वहाँ कर रहे हैं रोड चौड़ा, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ जाम मिलेगा ही। हाँ लेकिन उस फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए फिर आपको कोई जाम नहीं मिलेगा। राइट में जाएंगे तो पूरा एकदम चौड़ा हाईवे पड़ा हुआ है 4 लाइन का, कोई दिक्कत नहीं। ये देख रहे पिल्लर ही खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, बस अभी आधे से आधा भी काम नहीं हुआ है इसका, बस पिल्लर खड़े कर रहे हैं। बारिश भी हो रही है उसकी वजह से शायद उस समय लग रहा है कि काम बंद है, काम नहीं हो रहा है, देख रहे हो क्या हाल है हमारे आश्रम महारानी बाग चौक का। तो देख सकते हैं इसके वजह से इतना जाम लग रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ देखो कष्ट तो झेलना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन हाँ ये बन जाएगा तब उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा ऊपर से गोली की तरह जाएंगे, साए डीएनडी वाले डीएनडी जाएंगे, और सराय का लेखा जाएंगे, और बस जो यूटर्न वाले होंगे फिर वापस आश्रम चले जाएंगे। बाकी देखो जाम लग रहा है कितना केड़ा, और बारिश हो रही है बढ़िया वाली। मैं जब भी इसके साथ गया हूँ ना बारिश में ही गया हूँ। शादी में गए थे वहाँ भी बारिश हो रही थी, अब हो रही है अपनी बारिश। जब गाड़ी धो रहे थे भाई एम्बुलेंस फंसी है, लेकिन निकल रही है, लोग समझदार हो गए भाई, जिस्ता दे देते हैं वो फंसी। हमने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया, वो गई फुर्र, भगवान करे बच जाए जो भी हो। लेकिन भाई इंडिया वाले लोग ही एक तारीफ है, उसके पीछे लगा देंगे गाड़ी एम्बुलेंस के, और वो निकलेगा तो सारे उसके पीछे पीछे निकलेंगे, देखना 1, 2 और ये 3 लाइन लग चुकी है, और अब पीछे भी लाइन लग रही है। अब एम्बुलेंस के पीछे लग जाएंगे, एम्बुलेंस कहेगा साले मैंने क्या कसो कर दिया, मेरे पीछे पीछे लग रहे सब। तो ये यू टर्न है इधर शायद, हाँ यू टर्न। चल भाई आप देख सकते हैं ये इतना काम हो चुका है यहाँ पर, ये तो काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको दिखा दिया था, इतना हो ही चुका था। तो ये सीधा अभी हम बाइक पर चला, भाई बाइक पर चला,
आप साफ दिखेगा कि बारिश हो रही है, कैसे दिखाऊं मैं आपको। यहाँ से लेफ्ट हो गया अपने सरायकाले खां के लिए, सीधे चाहेंगे हम लेकिन डी एन डी साइड से। इतना ही धीरे 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 कंप्लीट होता जा रहा है, तो इसकी जो है रेनोवेट होगी, फिनिशिंग होगी, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर उस गार्डन को ही करेगा इसका नेताजी आके, तब ये चालू होगा। फिर इसके बाद क्या, फिर हम लोग चलाएंगे गाड़ी ऊपर, बस भगवान न करे टैक्स लग जावे इस पे। पैसे तो लगे हैं दिल्ली में कोई टोल टैक्स नहीं है दिल्ली में, लेकिन फरीदाबाद वाला जो अपने बदरपुर वाला बनाया उसमें एक दिमाग से लगाया भाई साहब, एक उतार दिया पूरा फरीदाबाद के टोल पे, मतलब बॉर्डर पे, और एक उतार दिया सराय पे, तो उसके वजह से उन्होंने टोल लगा दिया। दिल्ली में तो ले नहीं सकते। हाँ, बहुत दिमाग लगा भाई साहब। गाइस अभी खड़ा हूँ मैं डीएनडी फ्लाईओवर पे, आप जैसे देख रहे हैं ये फ्लाईओवर सीधा निकल रहा है अपना जमुना नदी में होते हुए मयूर विहार फेज वन आश्रम के लिए, ठीक है। और एक जो ये वाला जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो ये निकल रहा है मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए, जो जगह निकल रहा है जामिया के पीछे से जमुना में होते हुए, ठीक है। तो वो मिलेगा सीधा जाके आपका मिठापुर कालिंदी कुछ के पास निकलेगा, ठीक है। जय जमुना मैया, ये पूरा देख सकते हो आप, हमने आपको प्लीज दिखाया वीडियो को, प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अभी तो हम लोने के लिए जा रहे हैं, मस्ती करते हुए जा रहे हैं, बोले चलो थोड़ा दिखाते भी चलते हैं मैं आपको। देखो फुल स्पीड में जा रहा बंदा भाई, इतनी स्पीड में बाइक चलाते हैं यहाँ पे। पहले टोल था यहाँ पे, लेकिन अब फ्री है, अब यहाँ पे कोई टोल नहीं है, ना बाइक का, ना कार का, ना कोई। और सामने नीचे देखो घोड़े, मैं आपको घोड़े दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे घोड़े, ये जो ये पालते होंगे उनके घोड़े होंगे। फ्लाई ओवर बनना है जो वाला, वो सीधा गया सरायकाले खां के लिए, अपने आश्रम पे मिलेगा ये वाला फ्लाई ओवर, ये जाएगा मयूर विहार से। ये भाई हमारा रील बना रहा है यहाँ पर, मिस्टर अरमान। जो आप ये यहाँ पे फ्लाई ओवर आप देख रहे हैं, ये हम आ गए डी एन डी से लेफ्ट में मयूर विहार जाने के लिए। यहाँ से आप सीधा अक्षरधाम होते हुए आप सीलमपुर की साइड जा सकते हैं। तो जो मेरे लेफ्ट में आप फ्लाई ओवर देख रहे हैं, ये आश्रम से स्टार्ट होकर यहाँ फेज वन मयूर विहार फेज वन पे आ रहा है, और जो बारह पुला का है वो फेज टू जा रहा है, वो आश्रम वाले बारह पुला फ्लाई ओवर से आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे जोरों से काम चल रहा है यहाँ पर, एक्चुअली क्या अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, शायद इस वजह से लेट हो रहा है। तो देखो जल्दी चालू होगा 2024 में। और ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो ये है बारह पुला का, तो बहुत ही प्यारा, मेरे पे ड्रोन नहीं है लेकिन ड्रोन से आप देखेंगे तो पूरा विदेशी फ्लाईओवर लगे। और ये हमारा भारत का झंडा, मैं भारत की शान, जय भारत माता की। तो ये जो मेट्रो लाइन जा रही है फेज टू के लिए मयूर विहार की, ठीक है। और ये पूरा फ्लाईओवर यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से सीधा आप बारह पुला निकल सकते हो और आश्रम भी जा सकते हैं, यहाँ से सीधा सफदरजंग हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। गाइस मैं आपको दिखा रहा है एक बहुत ही पुराना, बहुत ही साल पुराना जो अंग्रेजों ने फ्लाईओवर बनाया था, ऊपर ट्रेन नीचे गाड़ी, और यह लोहे वाला पुल इसको बोला जाता है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप। और ये बहुत लंबा पुल है, कम से कम भी आधा किलोमीटर का पुल है ये, मैं गया उसमें, देख रहे हो। और ये नया यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है अभी वाला ट्रेन के लिए, देख रहे। ये काफ़ी टाइम से काम चल रहा था, मैंने आज आया इतने दिनों बाद देख रहा था, अब काम भी चालू हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ लग रहा ट्रैफिक, और हम थोड़ी देर में 15-20 मिनट हम सीलमपुर पहुंचने वाले हैं, और यहाँ तो पूरा खचड़ जाम रहता ही है।
इनको सब पता है आजकल यही दुकान पे बैठक रहे ना। छोटा अरमान पिचकारी।